दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मेरा नाम भारत जांगिड़ है। आज हम आपको बताते हैं किस तरह की मोटर वाइंडिंग हो जो बार बार नहीं जले। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा है मोटर बार बार जल जाती है, तो कुछ इस तरह से मोटर वाइंडिंग हो तो कभी बार बार जलने की प्रॉब्लम नहीं आती। दोस्तों आप देख रहे हैं ये हैवल्स की 0.5 HP 1400 RPM की मोटर है हमारे पास। तो हमने इसको काट कर पेपर डाल के अब इसको तैयार कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हम इसमें PVC पेपर यूज करते हैं, जो 7 नंबर। तो दोस्तों पेपर कुछ इस तरह से तैयार हो, मोड़ने पर सलवट ना पड़े, अच्छे से फिटिंग हो जाए पेपर। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हम, ये 36 स्लॉट की मोटर है, तो इसमें 36 पेपर डालेंगे। पेपर डाल के स्टेटर कंप्लीट कर चुके हैं हम। हमें कोई सिली या वायर की मदद से 5-7-9 पिच के हिसाब से कॉइल नाप ले लेते हैं। तो दोस्तों 8.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। हमारा जो कॉइल मशीन पे फर्मा लगा हुआ है 4 स्टेप का, 8.5 इंच पे उसको टाइट कर लेते हैं। कॉइल बनाने से पहले मशीन का जो काउंटर मीटर है उसे जीरो कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें जॉइंटलेस कॉइल बनाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 सेट डलेंगे हम, एक बार में 2 सेट बनाएंगे जॉइंटलेस। तो दोस्तों ये हमारे पास मशीन उपलब्ध है, तो हम मशीन से ही इसकी कॉइल तैयार करते हैं। जो ये मशीन है हमारे पास, कितने भी हैवी गेज की कॉइल हम इस पर बना सकते हैं, किसी तरह का हाथ पे प्रेशर आता नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी साफ सुथरी कॉइल इस पर तैयार होती है मशीन पे। जितनी आप कॉइल अच्छी बनाएंगे उसी हिसाब से आपकी मोटर भी वाइंडिंग होगी। कॉइल की लंबाई का आपको ध्यान रखना है और टर्न भी कम ज़्यादा नहीं हो। जो डाटा में गेज और टर्न है वो एक्यूरेट होने चाहिए। तो दोस्तों कॉइल 3 कॉइल बन चुकी है 1 सेट की, इनको वाइंडिंग कर लेते हैं हम। इनको एक वायर के टुकड़े की मदद से बांध लेते हैं ताकि ये अलग अलग ही रहें। इसके बाद में दूसरा सेट इसी पे ही हम बगैर तार काटे स्टार्ट करेंगे। पहली कॉइल जो छोटी कॉइल है उससे स्टार्ट किया है, उसी पे लाके हमारा जॉइंटलेस का 2 कॉइलों का सेट तैयार हो जाएगा। दोस्तों हमारा 1 सेट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं हमने दोनों सेट तैयार कर लिए हैं। इसका वज़न भी 630 ग्राम आ रहा है, 315 ग्राम का 1 सेट है। दोस्तों हम कॉइल डालने से पहले कनेक्शन लीड बाहर आने के लिए जो मोटर में जगह दी हुई है उसको ध्यान से देख लें, उसी तरफ से कॉइल डालना है आपको। तो दोस्तों देखिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से कॉइल इसमें डल रही है, काफ़ी इजी।
ये हमारा एक सेट डल चुका है। तो आपको सीरीज का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी सीरीज गलत ना हो जाए। तो दोस्तों मात्र हमारे चार सिरे निकले हैं, आठ चारों कॉयलों के। तो एक साइड के दोनों एक जगह जोड़ देंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल डालने से पहले रनिंग कॉयलों को आप सेट ज़रूर करें, जिससे आपकी स्टार्टिंग कॉयल अच्छे से इजी तरीके से डल सके। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल डाल लेते हैं हम, देखिएगा कितनी, एक भी वायर आपका इधर उधर नहीं है। मैंने काफ़ी देखा है कंपनियों के मोटर में भी इतनी सफाई से वाइंडिंग नहीं होके आती है। सेपरेटर लगाते टाइम ध्यान रखें स्टार्टिंग रनिंग का एक भी वायर क्रॉस नहीं रहे। देखिए मोटर कितने कमाल की कॉइल डाली है इसमें दोस्तों, ये हैवल्स की मोटर है। जो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग ओरिजिनल में भी नहीं आई थी, जो कि हमने इसको जली हुई को काटा है नायलॉन के धागे से। इसकी सिलाई कर लेते हैं अच्छे से टाइट तरीके से। दोस्तों आपका धागा भी अच्छी क्वालिटी का होगा, जो टाइट खींचने पे टूटना नहीं चाहिए। ये कनेक्शन साइड इसकी, सारे वायर बाहर निकाल के सीधे कर लेते हैं। सेपरेटर लगा देते हैं। सेपरेटर तो काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों सेपरेटर लगाने के बाद हम हमारे रनिंग में भी एक जॉइंट लगना है, मात्र स्टार्टिंग में एक जॉइंट, और जो दो दो तार बचेंगे को सीधे ही हम बाहर निकाल देते हैं, ताकि इसमें अंदर कोई लीड के लिए जॉइंट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें कनेक्टर है, जो उसमें सीधे इनको वायरों को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों स्लीव आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ग्लास एफ क्लास स्लीव कम से कम यूज करना चाहिए मोटर में, जिससे कि आपके जॉइंट हीट हो तो मोटर जलने का खतरा ना रहे। दोस्तों स्लीव अच्छे से लगाएंगे। दोस्तों वीडियो हमने थोड़ा स्पीड में बनाया है, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता। तारों को अच्छे से छील कर नाइफ की सहायता से अच्छे से टाइट से जॉइंट लगाएंगे। उसके बाद इसकी सिलाई कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वैसे कम से कम इस मोटर में एक घंटा लग जाता है। तो दोस्तों ये देखिएगा मोटर की सिलाई हो चुकी है हमारी, अच्छे से खींच कर सिलाई करनी है ताकि कोई वायर लूज ना रहे। दोस्तों सिलाई के बाद हमें पेपर चेक करने हैं, पेपर प्रेस करने के लिए एक पत्ती बनाई हुई है हमने, स्लॉटर पत्ती, जिसको हैमर से एक साइड से प्रेस करके सारे पेपर सेट करेंगे, ताकि कोई रगड़ मार के पेपर कटने पर मोटर वाइंडिंग्स नहीं जले।
दोस्तों कंप्लीट सारी सलाटों को हमने अच्छे से प्रेस करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी मोटर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके वायर जलाकर चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज की मदद से, मैग्नेट चेक कर सकते हैं हम। तो मैग्नेट चारों क्वाइलों पे प्रॉपर होना चाहिए, स्टार्टिंग हो या रनिंग हो। इससे आपका कंफर्म भी हो जाएगा कोई वायर गलत तो नहीं जुड़ा है। सभी क्वाइलों पे मैग्नेट ओके आना चाहिए। दोस्तों अब इसको हम वार्निश कर देते हैं, अच्छे से वार्निश डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस मोटर की कंप्लीट फिटिंग, हेड फिटिंग देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।